हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आजकल स्मोकी आईज सबको पसंद है और वो काफी डिफिकल्ट लगता है, बट आज मैं आपको 2 मिनट स्मोकी आईज दिखाऊंगी और आप भी उसको इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको स्मोकी आईज पसंद है बट उनको स्मोकी आईज नहीं आता है, और मैं भी मेरी कॉलेज लाइफ में थी तभी मुझे भी बहुत मेकअप पसंद था बट तभी मुझे मेकअप नहीं आता था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्मोकी आईज पर्सनली ज्यादा पसंद थी बट मैं जब भी स्मोकी आईज क्रिएट करती थी तभी मेरी पांडा जैसे आईज हो जाती थी। तो मैं इसलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिनको बिल्कुल भी स्मोकी आईज और मेकअप का भी जीरो नॉलेज है उनके लिए भी ये वीडियो है। तो अभी मैं जो स्टेप्स बताऊंगी वो स्टेप्स फॉलो करना, आप भी मेरे जैसे सेम स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक काजल लगेगा, तो यहाँ पे मैं एक काजल यूज करूंगी। आप कोई भी काजल या जेल लाइनर ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऐसे रफली आपके आईज पे अप्लाई करना है, आपको कोई भी नीट एंड क्लीन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही रफली अप्लाई करना है। बस याद रखना है कि आपको आपके क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना है, बिल्कुल भी क्रीज लाइन के नीचे तक आपको अप्लाई करना है। तो अभी मैंने काजल अप्लाई किया है और गाइस ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ, ये सच में 2 मिनट स्मोकी आईज है। तो आप अगर बिगिनर हो तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट लग सकता है, बट आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो सच में आपको 2 मिनट में आपका स्मोकी आई क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मैंने काजल को अप्लाई कर दिया है और सेम वे से मैं दूसरे आई पे भी अप्लाई करूंगी। आपको रैंडम स्ट्रोक्स देने हैं और या आई नो मैं ज्यादा डरावनी दिख रही हूँ बट अभी आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इसके हेल्प से मैं ये जो मैंने लाइनर सॉरी ये मैंने जो काजल अप्लाई किया है उसको मैं ब्लेंड करूंगी। और आपको याद रखना है, आपको क्विकली ये ब्लेंड करना है बिकॉज कभी कभी काजल और जो भी आप जेल लाइनर यूज करोगे वो सूख जाता है, तो इसके वजह से आपको ये क्विकली ब्लेंड करना है। सिर्फ ब्लेंडिंग के बाद ही ये कितना सॉफ्ट लगता है। अभी सेम वे से हम ये आईज को भी ब्लेंड करेंगे। आपको बिल्कुल भी आपके क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना है जहाँ पे आपने काजल अप्लाई किया है, सिर्फ आपको उसी जगह पे ब्लेंड करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। अभी मैंने मेरे ब्लैक कलर को ब्लेंड कर दिया है, उसके बाद मैं यूज करूंगी एक ब्राउन कलर का आई शेडो और मैं इसको मेरे क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करूंगी और साथ ही साथ इसको ये लाइन के साथ क्रीज लाइन के साथ मैं उसको ब्लेंड करूंगी। और आपको कलर लेके ऑलवेज डैप करना है और उसके बाद आपको इसे ऊपर अप्लाई करना है और आपको सर्कुलर मोशन में ये कलर को ब्लेंड करना है। आपको थोड़ा थोड़ा कलर लेके अप्लाई करना है और जस्ट मेरे क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करके मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और एक बात ध्यान रखना है, आपको ये लाइन के आपके जो आपके आईज का जो आउटर है उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको इनवर्ड टू आउटवर्ड और आउटवर्ड टू इनवर्ड ऐसे ही सिर्फ ब्लेंड करना है और आपको थोड़ा थोड़ा लेके कलर को ब्लेंड करना है ताकि पहली बार में एकदम से हार्श नहीं दिखे। सेम मैं दूसरे साइड करूंगी। अब ये साइड को भी मैंने सेम तरीके से ब्लेंड कर दिया है। आप चाहे तो सिंपल काजल लगा के इसको एज इट इज छोड़ सकते हो बट मैं इसके बाद ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी। आप ब्लैक कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो जहां पे मैंने जेल लाइनर
जहाँ पे मैंने मेरा काजल अप्लाई किया था, तो वो जो ब्लैक कलर है उसका इंटेंसिटी अच्छा दिखेगा। और अभी हम लोग सिर्फ उस ब्लैक कलर के ऊपर ये ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। सेम हमको दूसरे साइड भी करना है। उसके बाद हमको एक क्लीन ब्रश लेके दोनों को मर्ज कर देना है, ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखे और ये एकदम सॉफ्टली ब्लेंड दिखे। तो अभी ये ब्लेंड हो चुका है। उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा सेम ब्राउन कलर लूंगी। ये कलर मैं मेरे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे काजल। आप इसके साथ, अगर आपकी आईज छोटी है तो आप स्किन कलर का काजल यूज कर सकते हो, लाइक व्हाइट कलर का काजल यूज कर सकते हो, बट मैं ब्लैक कलर का काजल अप्लाई करूंगी। और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे मस्कारा एंड आईब्रोज। और मैं मेरा मस्कारा एंड आईब्रोज ऑफ कैमरा करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। मुझे स्मोकी आईज के साथ ग्लॉस बहुत पसंद है, तो मैं अभी इसको रिमूव करूंगी। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मेरा ग्लॉस। एंड दिस इज द फाइनल लुक। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है और दोनों शेड्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं। मैंने सिर्फ टू शेड्स यूज किए हैं, ब्लैक और ब्राउन। तो आपको ये कैसे लग रहा है आप मुझे जरूर बताना। आप देख सकते हो ये कितना प्रिटी लग रहा है। ये 2 मिनट स्मोकी आईज कैसे लगा आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर देना। और मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।